Hi friends, welcome back to Archana's Food Fun and Whispers. Bengalis खाने के बारे में बहुत ही शौकीन होते हैं, खास करके व्रत के दिनों में क्या बनाया जाए ये ज्यादातर होममेकर्स को बहुत ही परेशानी में डाल देते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, साबूदाना खिचड़ी नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। खिचड़ी के लिए मैं 2 कप साबूदाना ली हूँ। कोशिश कीजिए जो बड़ा वाला दाना आता है वही साबुन यूज कीजिए। साबूदानों को मैं 3 बार रनिंग वाटर में धो ली हूँ ताकि ज्यादातर गंदगी और एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। धो लेने के बाद 2 कप पानी डाल के मैं 2 घंटे के लिए सोक करूंगी। ध्यान रखिए 2 कप साबूदाना के साथ 2 ही कप पानी देना जरूरी है। इससे पूरा पानी साबूदाना सोक कर लेगा और एक्स्ट्रा पानी से साबूदाना गीला भी नहीं होगा। देखिए सोक होने के बाद साबूदाना कितना खिला खिला है। खिचड़ी में डालने के लिए मैं आलू को बॉईल कर लूंगी और उसका छिलका निकाल के इसको छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। साबूदाना खिचड़ी एक कंप्लीट मील है और नॉर्मल डेज में भी आप नाश्ते में बना सकते हैं। आलू के साथ साथ मैं काट लूंगी 1 टमाटर, कुछ हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ता। ये रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये रेसिपी बना के दे सकते हैं, बच्चे शौक से खाएंगे। मेरा कटिंग रेडी हो गया है, चलिए अब खिचड़ी को बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन में रिफाइंड ऑयल को गरम करूंगी और उसमें कुछ मूंगफली मैं फ्राई कर लूंगी। ध्यान रखिए मूंगफली ज्यादा पकने से कड़वा हो जाता है। उसी तेल में तड़के के लिए मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च और अदरक। इसी टाइम पे आप थोड़ा हींग भी डाल सकते हैं। अब फ्लेवर के लिए मैं ऐड करूंगी कुछ करी पत्ते। टमाटर हल्का गलने के बाद मैं ऐड करूंगी बॉइल्ड पोटैटोस, साथ में ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेने के बाद मैं ऐड करूंगी सोक किया हुआ साबूदाना। ऊपर से डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक और शक्कर। सारे चीजों को एक साथ मिला लेंगे और ढक्कन लगा के धीमी आंच में कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, साबूदाना ट्रांसलूसेंट हो जाने तक। ज्यादातर दाने देखिए ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब जो कुछ बचा है वो डिश को खत्म करते करते वो भी पक जाएगा। अब मैं फ्राई किया हुआ मूंगफली ऐड कर दूंगी और हल्के हाथ से
साबूदाने को चलाते रहूंगी। ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और वो जो टिंगलिंग वाला बेल बटन है ना उसको भी ऑल कर दीजिएगा। मूंगफली मिला लेने के बाद मैं एक नींबू का रस ऊपर से दे दूंगी। ध्यान रखें कि नींबू का बीज अंदर ना गिरे। धनिया पत्ता ऊपर से स्प्रिंकल कर लेने के बाद मैं धीमे आंच में थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी ताकि सारे दाने एक जैसा पक जाए। मेरा साबूदाना खिचड़ी अब एकदम तैयार हो गया है। देखिए कितना खिला खिला बना है। Now it's ready to serve। साबूदाना खिचड़ी को और मजेदार बनाने के लिए अब फाइनल सर्विंग के टाइम ऊपर से सेव भुजिया और एक पीस नींबू ऐड कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।